ये कहानी बिलासपुर नाम के एक छोटे से गांव की है। सभी गांव वाले अपना काम खत्म करके अपने घरों में जाकर सो रहे होते हैं कि तभी वहां एक बड़े पैरों वाली चुड़ैल आ जाती है और चुड़ैल को देखकर सभी भागते हैं और एक दूसरे से बोलते हैं, अरे अरे सब अपनी जान बचाकर भागो, ये बड़े पैरों वाली चुड़ैल फिर से हमारे गांव में आ गई है। ये फिर से अपने बड़े पैरों की मदद से हम गरीब मासूम लोगों को अपने पैरों के नीचे रौंद डालेगी। तू बिल्कुल सही कह रहा है, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। तुम लोगों को मार कर मेरे दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि तुम गांव वालों की वजह से ही मैं एक चुड़ैल बनी हूँ। इसीलिए मैं तुम सब गांव वालों को चुन चुन कर मारूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल कुछ लोगों को अपने पैरों के नीचे रौंद कर मार डालती है और वहां से गायब हो जाती है। चुड़ैल के जाने के बाद सभी लोग बैठकर रोने लग जाते हैं और बोलते हैं, पता नहीं इस चुड़ैल को आखिर हम गांव वालों से क्या दुश्मनी है। हम गांव वालों ने तो आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा, पर ये बड़े पैर वाली चुड़ैल हर 10 दिन में हमारे गांव में आती है और इतने सारे बेकसूर लोगों को मार देती है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर इस निर्दय चुड़ैल ने तो मेरे छोटे से बच्चे को भी नहीं छोड़ा। उसने तो मुझसे मेरी औलाद छीन ली। अब हम लोगों को रोना नहीं है, बल्कि मिलकर उस चुड़ैल का सामना करना है। पर हम उस बड़े पैर वाली चुड़ैल का सामना कैसे करेंगे? वो एक चुड़ैल है और हम इंसान, और वो तो हर 10 दिनों में गांव में आती है और तूफान मचा कर चली जाती है। हम उसका सामना नहीं कर सकते। हम उस चुड़ैल का सामना कर सकते हैं। हम तांत्रिक के पास जाएंगे और उनकी मदद से इस चुड़ैल को खत्म कर देंगे। मैंने पता किया है, छोटू नाम के एक तांत्रिक बाबा हैं जो कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं। वो बड़े से बड़े भूतों को अपने काबू में करना जानते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि छोटू तांत्रिक बाबा उस चुड़ैल को भी खत्म कर देंगे। तुम सही बोल रहे हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें एक बार उस चुड़ैल का सामना करना होगा। क्या पता हम जीत जाए और हम सभी गांव वालों को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाए। सभी गांव वाले चुड़ैल से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, इसीलिए आने वाले अगले 10 दिन से पहले गांव वाले मिलकर छोटू तांत्रिक बाबा को गांव में बुलाते हैं। और जैसे ही वो चुड़ैल आती है, बाबा कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। उसके मंत्र में इतनी ताकत होती है कि बड़े पैरों वाली चुड़ैल अपने बड़े पैरों से किसी भी गांव वालों की जान नहीं ले पाती और उसके बड़े पैर छोटे हो जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल उस बाबा से बोलती है, तांत्रिक तू कौन है और तेरे पास ये कैसी शक्तियां हैं जिनका मैं सामना नहीं कर पा रही हूँ? देख बाबा, मुझे जाने दे, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगी। मैं तुझे जाने दूंगा, पर उससे पहले तुझे मुझे बताना होगा कि तू ये सब क्यों कर रही है। देख, तेरे साथ अगर कुछ बुरा हुआ है तो तू हमें बता, ये सभी गाँव वाले मिलकर उसमें तेरी सहायता करेंगे, तुझे न्याय दिलाएंगे। जब मैं जिंदा थी तो इन गांव वालों ने मेरी सहायता नहीं की, और आज जब मैं मर गई हूँ तो ये गांव वाले मेरी एक अपाहिज लड़की की सहायता करेंगे। हाँ, हम सभी गांव वाले मिलकर करेंगे तुम्हारी सहायता। तुम हमें बताओ तो कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम कौन हो? तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैं जमुना हूँ। हाँ, जमुना, वही जमुना अपाहिज जिसे किताबें पढ़ने का शौक था। तांत्रिक, आज से कुछ साल पहले जब मैं जिंदा थी। फ्लैशबैक। जमुना नाम की एक अपाहिज लड़की जिसके एक पैर कटे हुए थे, वो बैसाखी के जरिए चला करती थी। क्योंकि जमुना अपाहिज थी, इसीलिए सरकार की तरफ से उसे विकलांग पैसे मिला करते थे। जमुना उन पैसों को जोड़कर अपना खुद का एक बुक स्टोर खोलती है। जमुना दीदी, क्या आपकी दुकान पर परियों की कहानी वाली बुक मिलेगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास हर तरह की किताबें हैं। पर मेरे पास तो पैसे नहीं है दीदी, आपसे ये किताब कैसे खरीदूं? तुम्हें पढ़ने का शौक है ना? हाँ दीदी, बहुत।
तो तुम मुझसे ये किताब ऐसे ही ले लो और जब तुम्हारे पास पैसे हो तब तुम आकर मुझे पैसे दे देना। जमुना दीदी तुम तो बहुत अच्छी हो। अब वो बच्ची किताब लेकर वहाँ से चली जाती है और रात हो जाती है और जमुना अपनी बुक स्टोर बंद करके घर जाने लगती है। तभी वो रास्ते में देखती है कि तीन गुंडे मिलकर एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, जिसके बाद जमुना उस लड़की को भगा देती है और उन गुंडों का सामना करती है। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? हाँ, एक मासूम लड़की को इस तरह रात में छेड़ रहे हो? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? हमारे घर में माँ बहन तो है, पर तुम्हारे जैसी अपाहिज नहीं। अपाहिज लड़की, तेरी वजह से वो लड़की हमारे हाथ से निकली है। अब देख हम कैसे तुझे दोनों पैरों से अपाहिज बनाते हैं। दोस्तों, इस लड़की की दूसरी टांग भी तोड़ देते हैं, चलो। इतना बोलकर वो तीनों गुंडे जमुना की ओर बढ़ते हैं, जिसमें से दो गुंडे उसके हाथों को पकड़ लेते हैं और तीसरा गुंडा उसका पैर पकड़कर तोड़ देता है। तुम लोगों ने मेरे साथ ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं तुम लोगों को तुम्हारे किए की सजा दिलवा कर रहूंगी। अरे भाई, मुझे लगता है इस लड़की का खेल खत्म कर देना ही अच्छा होगा, वरना ये हमारी कंप्लेन कर देगी और हम सबको जेल की सलाखों के पीछे भेज देगी, जहां हम जिंदगी भर बस चक्की पीसते रह जाएंगे। तुम सही बोल रहे हो, ये लड़की हमें सलाखों के पीछे भेजे, उससे पहले हम इसकी कब्र खोद देंगे। इतना बोलकर वो तीनों लड़के जमुना को मार डालते हैं और पास के एक जंगल में कब्र खोद कर उसे दफना देते हैं। ये सारी घटना गांव का एक बुजुर्ग आदमी देख लेता है, परंतु वो अपनी जान बचाने के लिए चुप रहता है और कभी किसी को कुछ नहीं बताता। अब कुछ महीनों बाद उस बुजुर्ग आदमी की भी मृत्यु हो जाती है। फ्लैशबैक। अगर वो बुढ़ा उस दिन गांव में जाकर किसी को कुछ बता देता या मेरी माँ को मेरी हालत के बारे में बता देता तो मेरे गुनहगारों को उनके किए की सजा मिल जाती। बस इसीलिए जब मैं चुड़ैल बनी और मुझे शैतानी शक्तियाँ मिली तो सबसे पहले मैंने अपनी शैतानी शक्तियों से बड़े पैर हासिल किए और मैंने ठाना कि इन गांव वालों के साथ मैं अपने कातिलों को भी ढूंढूंगी और अपने इन बड़े पैरों से सभी को अपने पैरों के नीचे रौंद डालूंगी। जब तक मैं अपने कातिलों को नहीं मार देती तब तक मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी और ना ही मैं इस गांव से कहीं जाने वाली हूँ। चुड़ैल, हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हें तुम्हारे कातिल जरूर मिलेंगे और उन्हें भी तुम वही मौत देना जो मौत उन्होंने तुम्हें दी थी, पर इन गांव वालों को 10 दिन का समय दो ताकि वो तुम्हारे कातिलों को ढूंढ सके। अब ये गांव वाले ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। अगर तुमने इन गांव वालों को मार डाला तो तुम कभी भी उन गुंडों तक नहीं पहुंच पाओगी। बाबा के बोलने पर चुड़ैल बाबा की बात मान जाती है और गांव वालों को 10 दिन का समय देकर वहां से चली जाती है। अब 10 दिन बाद चुड़ैल गांव में वापस आती है और इस बार जब वो गांव में वापस आती है तो अपने सामने अपने तीनों कातिलों को बंधा हुआ पाती है। अपने कातिलों को देखकर चुड़ैल की आत्मा को बहुत सुकून मिलता है और चुड़ैल अपने तीनों कातिलों से बोलती है, आखिर आज तुम तीनों मुझे मिल ही गए। आज तुम तीनों को मार कर मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी और इन गांव वालों को बड़े पैर वाली चुड़ैल से मुक्ति। पर तुम कौन हो चुड़ैल और हमें क्यों मारना चाहती हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम तीनों बेवकूफ गुंडों ने अब तक मुझे नहीं पहचाना। मैं जमुना हूँ, वही ना दिया था, मैं वही जमुना हूँ। आज मैं तुम तीनों से अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ, जो कि मैं लेकर ही रहूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल अपने बड़े पैरों से उन तीनों कातिलों को अपने पैरों तले रौंद देती है और वो तीनों गुंडे घायल हो जाते हैं, जिसके बाद चुड़ैल उन तीनों गुंडों को जिंदा जमीन के अंदर गाड़ देती है। इस तरह से चुड़ैल का बदला पूरा हो जाता है और वो हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चली जाती है। इसके बाद सभी गाँव वाले चैन से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।